हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्माइली क्लासेज। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए वीकली करेंट अफेयर्स जो हर संडे को लेके आते हैं, और ये आगामी परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है, तो ये जो मनाया गया है वो है 9 नवंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। कौन सा राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, तो ये जो मनाया गया है वो मनाया गया है 7 नवंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने देश के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। किसने, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने, तो ये 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या किए हैं, शपथ लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में तोखू एमोंग वर्ल्ड काउंट की मेजबानी कौन करेगा। कौन, तोखू एमोंग वर्ल्ड काउंट की मेजबानी जो है वो नागालैंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। कौन सा भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण, तो ये गृह मंत्रालय द्वारा क्या किया गया, आयोजित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य कौन बना है, तो सेन वॉटसन बना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है वो 9 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट का सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया है, तो ये है ईरान। किसने किया है, ईरान ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है, तो ये जो मनाया गया है वो 9 से 14 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च होने जा रहे भारत के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट को क्या नाम दिया गया है, तो इस रॉकेट का जो नाम है वो है रॉकेट विक्रम-S, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होने जा रहा है, तो ये जो होने जा रहा है वो है कतर में। कहाँ, कतर में, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट प्रदर्शनी, तो ये जो शुरू की गई है वो है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है, तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है वो 8 नवंबर को क्या किया गया है, मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है, तो ये कौन सी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज उभरी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियन 2022 कहां शुरू की गई है, तो ये जो शुरू की गई है वो की गई है दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 के लोगों का अनावरण किया है, तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य ने, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला का पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है। किस राज्य सरकार ने, तो ये है राजस्थान राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 क्या की है, शुरू की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगा। कौन सा निजी तौर पे विकसित रॉकेट लॉन्च करेगा, तो स्काईरूट एरोस्पेस, कौन, स्काईरूट एरोस्पेस, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे 2022 के लिए बेली के एस फोर्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा, तो डॉक्टर सुभाष बाबू को। किसको, डॉक्टर सुभाष बाबू को, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अक्टूबर महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नियुक्त किया गया है। अक्टूबर महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये विराट कोहली और निधार को क्या किया गया है, ये नियुक्त किया गया है। तो ये रहा आज का
करेंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।